परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। जब हम किसी व्यक्ति वस्तु का नाम लेते हैं तो उसका चित्र, उसका नेचर, उसका रंग रूप, उसकी चाल ढाल, उसका बोलना, उसका व्यक्तित्व हमारी आँखों के सामने झूल जाता है, पिक्चर की तरह झूल जाता है, हम एक बार उसमें लीन हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी हम घोड़े की बात करें तो उसकी चाल ढाल, कैसा रंग का, कैसा क्या होता है, कैसे चलता है, सब कुछ हमारे आँखों के सामने आ जाता है, हम उसमें लीन हो जाते हैं, बिल्कुल खो जाते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसमें हम खो जाते हैं जब नाम लेते हैं तो। लेकिन हम परमात्मा के साथ ऐसा नहीं होता, हम आत्मा के नाम लेते हैं, नाम लेते हैं सिर्फ किताबी बातों से सुना हुआ, वो हमारा नाम अपना नहीं होता है, कहीं से सुन लिया है, उसको पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हम आत्मा की बात सुने तो भी कभी ये ज्ञात नहीं होता है कि ये देह मेरी नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है, ये पैसा मेरा नहीं है, ये पद प्रतिष्ठाएँ मेरी नहीं है, ये सब यहीं मिली थी और यहीं छूट जाएंगे। क्योंकि आदमी खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, लेकिन साथ में बहुत कुछ पुण्य और पाप, अच्छी बुरी करने का फल लेकर जाता है। हमें ये भाव नहीं आता है क्योंकि हम शब्दों के कारण है हमने धर्म बना लिए हैं। कोई कहता है गीता पढ़ो, कोई कहता है कुरान पढ़ो, कोई कहता है पुराण पढ़ो, हम कोई कोई चीज़ों से बंध गए, कोई शब्दों से बंध गए, कोई ग्रंथों से बंध गए, कोई वृत्तियों से बंध गए, कोई परिवारों से बंध गए, कोई समाज जातियों से बंध गए, लेकिन हम बंधे हैं और वो सब शब्दों का जाल है। हमें कह दिया जाता था तुम जैन हो, हमें जैन के बारे में पता नहीं, हम जैन कैसे होते हैं, जिनेंद्र देव के भक्त हैं वो जैन हैं, लेकिन हम मात्र जैन हैं, बस ये जानते हैं जैन हैं, जैन के क्या आदर्श होते हैं, जैन किसका भक्त होता है, कैसा उसके भगवान का आचरण होता है। हम भगवान भी कहें तो जय गो भगवान, जय गो महावीर भगवान, जय गो आदिनाथ, जय गो पार्श्वनाथ ही कहते हैं। और कोई पूछे भी कि कैसे हैं भगवान, तो आप क्या बताओगे, इतने फुट की मूर्ति है, इस कलर की है, खड़गासन है कि पद्मासन है, ये सब तुम्हारी बाह्य की आकृतियाँ नज़र आती हैं, अंदर का परमात्मा तत्व उनका नज़र नहीं आता है, उनके गुण तुम्हारे अंदर नज़र नहीं आते हैं। उनके गुणों में चित्त लग जाए तुम्हारा तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, लेकिन तुम वो सब नहीं देखते हो। क्यों? क्योंकि जिससे परिचय है उसकी हर बातें तुम्हारे याद में आती है, परमात्मा से हमारा कोई परिचय नहीं है। परमात्मा तो एक और ज़रूरतों की तरह हमारे लिए ज़रूरत है। यदि कोई आपसे कह दे कि बिना साधना के भी मोक्ष मिल जाएगा, इस जगह नहीं उस मंदिर में काम हो जाएगा, तो आप उस जगह चले जाओगे, आपको परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। अधिकांश लोग तो मंदिर भी इसलिए आते हैं कि उनका परिवार अच्छा चले, उनका घर अच्छा चले, उनकी प्रतिष्ठा रहे, वरना लोग क्या कहेंगे फलाना मंदिर ही नहीं आता। देखो तीसरे में सब लोग क्यों मंदिर आते हैं, कोई सहानुभूति से मंदिर नहीं आते हैं, कोई अध्यात्म ज्ञान के लिए मंदिर नहीं आते हैं, कोई बहुत आदर्शता प्राप्त करने के लिए, परमात्मा जैसे बनने के लिए नहीं आते हैं।
सिर्फ नाम से चले आते हैं। अरे जब कागज के पानी से, कागज के यानी पानी पानी लिखो तो क्या प्यास बुझती है? हलवा पूड़ी जलेबी कचौड़ी लिखो सपने में देखो तो भी तुम्हारी भूख नहीं मिटती है। कागज के घोड़ों पर, कागज पर पेंटिंग बना लो घोड़े की तो क्या आपको सफ़र कराएगी? कागज की नाव बना लो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे नाव बनाते हैं और पानी में डाल देते हैं, वो नाव दो पाँच मिनट चलती है फिर डूब जाती है, गल जाती है। ऐसे ही हमारी नाव, जब कागज की नाव पर हम सवारी नहीं कर सकते हैं, कागज के घोड़े हमें कहीं पहुंचा नहीं सकते हैं, तो ये शब्दों के घोड़े, शब्दों के रथ हमको कैसे परमात्मा तक पहुंचाएंगे, हमें कैसे परमात्मा बनाएंगे? इन शब्दों ने हमारे जीवन में बड़ा भ्रम पैदा किया है। हम इसको धर्म समझने लगे, हम इसको भक्ति समझने लगे। किसी के शब्द थे, किसी की अनुभूतियाँ थी, अब भक्तांबर हम पढ़ लेते हैं, लेकिन भक्तांबर पढ़कर क्या होता है? वो मान तुंग आचार्य श्री की अंदर की आत्मा थी, परमात्मा के प्रति समर्पण था, श्रद्धा था, आदर था, बहुमान था, उनके वो शब्द अंदर से निकले थे। हम बाहर से शब्दों को दोहरा कर सोचते हमने बहुत बड़ी भक्ति कर ली, और लोगों को तो उसमें घमंडोर हो जाता है। और ये धर्म हमें कैसे पहुँचाएगा भवपार तक? ये शब्दों का धर्म जो झगड़े करा देता हो, जो हिंदू मुसलमान लड़वा देता हो, जो इंसानों का खून बहा देता हो, जो इंसानों से दानवता करवा देता हो, जो इंसान की इंसानियत छीन लेता हो, वो धर्म कैसे हो सकता है? इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ? आदमी में विष इस तरह से भर रहा है, आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विष दरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे कि आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि जानवर किसी कोई छेड़े उसको मारने आए तो काटता है, तो आप पर प्रहार करता है। आदमी बेवजह बुद्धि की खास है, कुछ ना कुछ करना है तो अच्छा नहीं करना तो बुरा ही करना है, क्योंकि बुरी के लिए कटिबद्ध है आदमी, बुरी के लिए संकल्पित है, बुरा आदमी है। सुबह से शाम तक आप शब्दों के भ्रम में कितना जीते हैं। सुबह से अखबार ले लो, मोबाइल ले लो, टीवी ले लो, इंटरनेट पे जो भी आप देखते हैं वो सब आप सोचो आपके जीवन के सकारात्मक हिस्से को पुष्ट करता है नकारात्मक को? वो आपकी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाता है या अधोगामी बनाता है? वो आपको अच्छे से जीना सिखाता है या बुरे से जीना सिखाता है? जो भी आप लेते हैं दोस्तों से, मित्रों से और पत्नी से, बच्चों से, वो सब क्या आपको वैराग्य को पुष्ट करता है? हमारे जीवन में हम शब्द ज्ञान से थोड़े ऊपर रखने, हमारी अनुभूतियाँ इतनी थी, हम किसी को याद करते थे वो आ जाता था, हम किसी का नाम लेते थे वो हमें सामने दिख जाता था, इतनी अनुभूतियाँ थीं। आज दिल इतना पत्थर हो गया कि कोई हाथ से हाथ भी मिलाए तो दिल नहीं मिलते हैं। दिल से दिल मिलना बहुत कठिन बात हो गया, हाथ से हाथ मिलाना बहुत आसान है। आप जब भी किसी से मिलते हो तो हेलो कर लेते हो, हाय कर लेते हो। मैंने कही हल्ला क्यों रहे हैं, हाय हाय क्यों कर रहे हैं, अफसोस क्यों व्यक्त कर रहे हैं किसी पर? अरे पश्चिम की सभ्यताएं से जाने दो, हमारे यहाँ तो राम राम कहा जाता था, जय जिनेंद्र कहा जाता था, हर परमात्मा का नाम हर मजहब वाला अपने हिसाब से लेता था। कोई साईं का भक्त है तो साईं बोलता था, राधा कृष्ण का है तो राधे राधे बोलता था, हिंदू है तो राम राम बोलता था, कोई नारायण ओम नमो नारायण, हम जय जिनेंद्र बोलते थे। हमारे दरवाज़ों पर जय जिनेंद्र लिखा होता था, हमारे घर में बड़ा पुरुषों के चित्र लगे होते थे, हमारे घरों से सुबह सुबह जिनवाणी, गीता, भागवत, कुरान की आवाज़ें आती थी, यानी सबके घर में परमात्मा का स्मरण था। और आज सुबह उठकर देख लो तुम क्या देखते हो, आदमी सुबह से गंदगी आँखों से हो, कान से हो, जिभ्या से हो, पैरों से हो, सब कुछ गंदगी इकट्ठी कर रहा है।
बाहर से साफ हो गया, अंदर से बहुत काला हो गया, क्योंकि मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा गए गोबर की मिठाई पर। और ये शब्द, ये यात्राएं हमें कहाँ तक ले जाएंगी। एक ही पत्नी बहुत ठंडे इलाके में रहती थी और पति ऐसी जगह था जहाँ धूप आ रही थी। उसने अपने किसी मित्र को जा रहा था, उसने कहा उसे बहुत सर्दी लगती, तुम धूप ले जाओ। मित्र ने बल्कि कहा कि धूप कैसे ले जा सकते हैं। बोले चिंता मत करो, मैं अच्छे से पैक कर दूंगा, तुम ले जाना, उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जब उसने एक कहते हैं अटैची मंगाई और उसमें धूप आ रही थी, और धूप उसने बंद की अटैची, और अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा कि मैं तुम्हें धूप और अच्छा उजाला भेज रहा हूँ। हालांकि पत्नियों को पति की बात पर भरोसा नहीं होता है। पत्नी सोचने लगी कैसे भेजा होगा, फिर भी उन्होंने कहा तुम खोल कर देखना, तुम्हें ज़रूर मिलेगी, मैंने देख के रखी है धूप। और पत्नी ने खोला तो धूप नहीं थी। इसी प्रकार से हमारे परमात्मा, हमारे महापुरुष, हमारे वितरागी लोग, संत जहाँ थे वहाँ धूप थी। जिस समय थे उस समय धूप भी थी, प्रकाश भी था, स्वच्छ हवा भी थी, यानी उनका मन भी शुद्ध था, वचन भी शुद्ध थी, काया भी शुद्ध थी, उनके पास आने वाला भी शुद्ध हो जाता था। लेकिन आज सदियों से शब्दों पर धूल पड़ते पड़ते शब्द के अर्थ ही बदल दिए। हम लोग कई बार कहते हैं इस ग्रंथ पर 50 टीका हुई, इस ग्रंथ पर 1000 लोगों ने लेखनी चलाई। अरे 1000 लोगों की लेखनी की क्या जरूरत थी, एक बार लख लेते तो कल्याण हो जाता, एक बार अनुभूति का विषय बन जाता तो कल्याण हो जाता। लेकिन हमने अनुभूति का विषय नहीं बनाया धर्म को, हम अनुभूतियों से तो बहुत दूर रहते हैं। धर्म की अनुभूति के अलावा हमें सारी अनुभूति है। आपसे भी कोई भी कोई शब्द कहे तो आपको होती है, लेकिन यहाँ तो हम शब्दों पे लड़ लेते हैं, क्योंकि कहते हैं बोली तो अनबोल गए, जो कोई जाने बोल, और हृदय तराजू तोल ले पीछे मुख से बोल। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक बोले तो आसन मिले, एक तो पाओ ही पाओ। यानी शब्द को संभाल कर बोलो। जो बोलने के पहले सोच लेता है, उस तौल लेता है, उसे जीवन भर सोचने की जरूरत नहीं होती है। और जो बोलने के बाद सोचता है वो जीवन भर पछताता है। इन शब्दों ने कितने झगड़े कराए हैं। आपको पता होगा यदि महाभारत हुई तो अंधों के अंधे होते हैं, इस शब्द ने महाभारत करा दी, कितने लाखों लोग मर गए, महावंश नाश हो गया। रावण को भी मंदोदरी ने बहुत समझाया था, लेकिन अच्छे शब्दों का असर कहाँ पड़ा। उसके तो चंद्र नखा ने कहा था ऐसी सुंदर स्त्री है उसकी, और ये सुनकर रावण पागल हो गया। रावण उसको साधु के भेष में हर लाया। और इतना ही नहीं, मंथुरा के शब्दों ने घर में जहर पैदा कर दिया, कलेश पैदा कर दिया। केकई ने हमेशा राम को बेटी से बढ़कर माना था, लेकिन उसके शब्द जाल ने क्या हो गया, ऐसा विष भर दिया कि उसने अपने बेटे को राज मांग लिया। हमारे जैन शासन के अनुसार उसने राज्य मांगा था केकई ने, लेकिन केकई ने राम का वनवास नहीं मांगा था। लेकिन ये राम की समझदारी थी कि वो जानते थे भरत मेरे रहते हुए राज्य में नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने पिता से स्वयं कहा था कि पिताजी आशीर्वाद दें, इन राज्यों की तो सीमाएँ होती हैं, मैं उस वन प्रदेश में जाऊंगा जहाँ कोई सीमाएं नहीं होती हैं। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत देखिए, दोनों दोनों पक्ष समाप्त हो जाते हैं। एक पक्ष ने युद्ध में क्या मिलता है, शब्दों में सीमाएं बनती हैं। कराची आदि कभी भारत का हिस्सा था, लोग सीमाएं कागज पर रेखाएं खींच देते हैं, उस तरह से हालत है। दो मित्रों में लड़ाई हुई, केस जज के सामने गया। जज ने कहा जब तुम लोग दोस्त थे तो लड़ाई कैसे हो गई। उनने कहा बस ऐसी बात चल रही थी, मैंने कहा मैं खेत खरीदूंगा, दूसरे ने कहा मैं भी खेत खरीदूंगा, मैंने कहा मैं गन्ना बोऊंगा, ये कहने लगा मैं भैंस खरीदूंगा, मैंने बोला तेरी भैंस मेरे गन्ने के खेत में नहीं आना चाहिए, इसने कहा आ गई तो क्या हुआ।
और मैंने कहा आ गई और मेरे गन्ने को मुंह भी लगा लिया तो पीट दूंगा। उसने कहा पीट के दिखा। बस हम दोनों आपस में पिट गए, एक दूसरे को पीट दिया। जज ने कहा कितनी भैंस हैं? बोले भैंस थोड़ी है। बोले फिर कौन सी भैंस आ रही थी तुम्हारे खेत में? बोले जब हमने कहा जमीन लेंगे तो हाथ पे लकीर खींची कि आधा तू लेना आधा मैं लूँगा। फिर बोले इसने कहा मेरी भैंस लूँगा। मैंने कहा मैं खेत गन्ना बोऊँगा। इसने कहा मेरे खेत में नहीं आना चाहिए। मैंने टेढ़ा अंगूठा किया और कहा आ गई भैंस तेरे खेत में, और इसने मेरा हाथ तोड़ दिया। हमने इसका तोड़ दिया, लड़ाई बढ़ गई और आप तक आ गए। जज हंसने लगा कि कैसे पागल हो, न तुम पर खेत है न तुम पर भैंस है, तुम इतने लड़ पड़े कि एक दूसरे का सिर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिए। हमारे साथ भी क्या ऐसा ही नहीं है? बेवजह धर्मों के नाम पर लड़ते रहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कितने हमारे पक्ष के लोग बन जाएं, हम धर्म के पक्ष में हो जाएं, हम परमात्मा के सिद्धांत के पक्ष में हो जाएं, इसकी किसी को चिंता नहीं। हर व्यक्ति सोचता है मेरे पक्ष में मेरे धर्म में कितने लोग हो जाएं, अच्छे से नहीं हो तो मार के हो जाएं, जिद से हो जाएं, हत्याओं से हो जाएं, लेकिन हमारे पक्ष में हो जाएं। हिटलर ने क्या किया? 190,000 लोग मारे, रोज 500 यहूदी मारे। क्यों मारे? क्योंकि बस अपने शब्दों का कि यहूदियों से खतरा, ये भ्रम उन्हें बेबसों को मारता चला गया। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 111,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।